हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए भूगोल का पेपर, जो कि 2022 को ये पेपर हुआ है, 28 मार्च 2022 का पेपर हुआ है और 322 ईआर कोड वाला पेपर है। आज इस पेपर का हम लोग फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस पेपर को दे करके आए हैं वो अपना आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं, 70 में कितना पाए हैं वो यहाँ अभी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेपर का पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन के साथ इसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक ना। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है और 15 मिनट पेपर पढ़ने का, 3 घंटा समय आपका पेपर हल करने का, पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आप सभी जो भी स्टूडेंट लड़के या लड़कियाँ जो भी इस पेपर को दे करके आए हैं अपना आंसर मैच करा सकते हैं, ठीक ना, कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है कौन सही नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन मानचित्र ये भौगोलिक सूचना का स्रोत है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत हो जाएगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये भी आपका सही है, लेकिन यात्रियों के विवरण, ये आपका क्या हो जाएगा, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं होगा। यात्रियों का विवरण क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि जो आपका सही होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 100 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक ना। अगर आप इस ऑप्शन पर टिक किए हैं तो आपका यहाँ एक नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखो, जितने भी धान अनाज गेहूं होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, कर्तन दहन कृषि, समझ गए ना। या जो भी चीज़ें रोपाई की जाती है वो कर्तन दहन कृषि में आती है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप मतलब कि थर्ड क्रियाकलाप, ये आपका आ जाएगा व्यापार, ठीक, व्यापार, समझ रहे ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुविकल्पी ही क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखो, जब भी आपका 2011 में इंडिया की जनगणना हुई थी, उस टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 121 करोड़ थी, कितनी थी, 121 करोड़। तो ऑप्शन नंबर प अ वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, ठीक ना, या स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका भोपाल, आगरा, ये भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, पटना गंगा नदी के किनारे, और आपका कोलकाता भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन भोपाल किसी भी नदी के किनारे आपका स्थित नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियों, सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे होते हैं? तो ये हो जाएंगे रेखीय, रेखीय वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय का मतलब कि जिसे आप, हम या किसी वैज्ञानिकों ने बनाया नहीं है, वो आपका होता है अनवीकरणीय स्रोत। और नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया स्रोत होता है, ठीक ना। जिसे आपका मान लीजिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर सेल, बैटरी, मोबाइल, सब क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। लेकिन ऑप्शन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अनवीकरणीय स्रोत, ये आपका हो जाएगा जल, समुद्र, वायु, ठीक ना, पानी, सब क्या हो जाएंगे अनवीकरणीय स्रोत, चट्टान, बर्फ, ये सब क्या हो जाएंगे अनवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। अब देखो और अति लघुतरी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित करिए। मानव भूगोल किसे कहते हैं, आप आसानी से परिभाषित कर सकते हो, 2 लाइन का है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास, शिक्षा, रोजगार, ठीक ना, इस तरीके से आप इसका क्षेत्र लिख सकते हो, कृषि भी लिख सकते हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि स्थान या साइट एवं स्थिति, यानी सिचुएशन के माध्यम अंतर समझाइए। स्थान एवं स्थिति,
स्थान का मतलब किसी भी मेन चीज़ का नाम लिखना है। जैसे मान लो आगरा हो गया, मथुरा हो गया, कलकत्ता हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब क्या है, स्थान हो गए। और स्थिति का मतलब क्या है कि उसकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, उसके बारे में, सिचुएशन के बारे में, दोनों के बारे में अंतर स्थापित कर देना है। कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना करिए, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ट्रिपिकल क्वेश्चन लगे उसको मैं यहाँ पर एनालिसिस कराऊंगा, ठीक ना। शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में अंतर क्या है, आसानी से समझ। शुष्क मतलब क्या होता होता है, शुष्क मतलब सूखा, और आर्द्र मतलब नमी वाला, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, नाभिक के अंदर जो भी एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। और भारत में किन्हीं दो प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए, ठीक ना, आप आसानी से लिख सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है। देखिए चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों होता है, क्योंकि देखो चीनी जो होता है आपका, इसलिए क्योंकि जो भी हम ईंख देखते हैं, ईंख हमेशा 12 माह अवेलेबल होता है, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ये मौसम के अनुसार ये प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं ये मौसमी उद्योग होता है। अगला क्वेश्चन कि मानव विकास को परिभाषित करिए, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मनुष्य पीछे क्या था, अभी क्या है, और विकास क्या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में लिख देना, आसानी से आप पा जाओगे नंबर। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। प्राकृतिकरण मतलब कि किस तरीके से आप प्राकृतिकरण कर सकते हो, वन लगाकर, ठीक ना, इस तरीके से कर सकते हो। और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख भौगोलिक कारकों को उल्लेख करिए। जनसंख्या के वितरण को आसानी से कर सकते हो, किस तरीके से, आप परिवार नियोजन पर कंट्रोल करके इसका अनुसार इसका आंसर लिख सकते हो। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। नगरीय बस्ती को बस्तियों के प्रकारों का उल्लेख करिए, ठीक ना। अगर आप इसका बोलोगे तो मैं कॉपी पे भी इसका नोट्स बना करके एकदम अच्छे से समझा करके किस तरीके से लिखना है वो भी मैं ला सकता हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया सबसे आसान क्वेश्चन कि भारत में अब्रक के वितरण एवं उत्पादन का विवरण कीजिए। भारत में अब्रक कहाँ पर पाया जाता है, कोलकाता में, झरिया में, सब, ठीक ना, आसानी से लिख, झारखंड में। अब देखो अगला क्वेश्चन कि पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करिए, आसान क्वेश्चन है। प्रकायों के आधार पर मान भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों को विभाजित कर दिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर समझाइए। तृतीय क्रियाकलाप क्या हो जाते हैं, व्यापार, और द्वितीयक वाले कृषि हो गए, उद्योग हो गए, ये सब क्या होते हैं, इस तरीके का अंतर आप समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करिए। विकासशील देश मतलब कि जो भी आप अगर विकसित विकासशील, जैसे मान लो कि अभी इंडिया है, इंडिया क्या है, विकासशील देश में आता है, विकसित देश में नहीं आता है। विकसित मतलब चाइना आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, अमेरिका आ गया, ये सब होते हैं विकसित देश, ठीक ना। अब देखो इंदिरा गांधी नगर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय आप लिख सकते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखो आपके पेपर में मानचित्र वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक ना, जो कि पूछे गए हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश है कि आपका राजस्थान है कि कौन सा है, उसको मैप में दर्शा करके उसका नाम भी लिख देना है, ठीक ना। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है, तो केरल का जो जिस एरिया में आता है इंडिया के मैप में वहाँ पर दर्शा देना है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है उसके बारे में लिख देना है, इस राज्य की राजधानी, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दे, इस राज्य की राजधानी, इस नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक ना। इस राज्य की प्रमुख आणविक क्षमता, आणविक ऊर्जा संयंत्र, इस राज्य मतलब कि मध्य प्रदेश के बारे में बोला जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कुछ दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य के नाम लिखना है, और साक्षरता वाले सेम टू सेम वही क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन जो कि सेम टू सेम वही है लेकिन मानचित्र वाला है, संसार में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन की राजधानी क्या है, और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए, और जापान के एक प्रमुख समुद्री पतन का नाम लिखिए, और उसको मानचित्र में दर्शाना है, ठीक ना। सेम टू सेम आपका वही बोला है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक ना, इस वीडियो को। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।